हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस सी बी हेल्प पे। और आज हम लोग आपके बुक का प्रोज 5, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच और लेखिका है आंग सांग सू की, इसके बुक सॉल्यूशन को लेकर आए हैं और इसको आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। आज हम लोग कंपोजिशन पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसमें क्वेश्चन आंसर आपके ऑब्जेक्टिव्स को देख सकते हैं, और साथ ही साथ कहानी अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी तो आप इससे पहले के भागों में कहानी भी पढ़ सकते हैं। तो कंपोजिशन का जो पहला पार्ट है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक ही लेटर आज आपको दिया गया। कंपोजिशन में सबसे पहले आपको लिखा गया है कि यू आर विनय। मान लीजिए कि आपका नाम विनय है। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल सोसाइटी ऑफ योर स्कूल। आपको आपके विद्यालय के कल्चरल सोसाइटी का सचिव बनाया गया है। यू वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज एन अवार्ड गिविंग फंक्शन इन योर स्कूल। और आप चाहते हैं कि आपके विद्यालय में एक अवार्ड गिविंग फंक्शन, अर्थात जो है पुरस्कार वितरण समारोह किया जाए, जिसमें बच्चों को पुरस्कृत किया जाए। राइट ए लेटर टू द मुखिया ऑफ योर पंचायत। अपने पंचायत के मुखिया को एक पत्र लिखे, या फिर और द चेयरमैन ऑफ योर ज़िला परिषद। अपने ज़िला परिषद के चेयरमैन को आप पत्र लिखें, इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द फंक्शन। उन्हें इनवाइट करते हुए कि वो इस फंक्शन में आए। ठीक है, एक बार फिर से इसे समझें कि यहाँ पर आपको एक पत्र लिखना है। आप पहले समझ लीजिए कि आपका नाम विनय है, आप अपने विद्यालय के कल्चरल सोसाइटी के सचिव हैं और आप एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जिसमें कि आपको मुखिया जी को, जो आपके पंचायत के मुखिया हैं या फिर जो आपके जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उन्हें इनवाइट करना है इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो लेटर लिखने का तरीका मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है पहले की वीडियो में। तो चलिए यहाँ देखें, आप देख सकते हैं एक तरफ हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड में ऊपर अपना पता, जहाँ से हम पत्र लिखेंगे वो पता लिखेंगे, उसके बाद उस जगह का नाम और तिथि अंकित करेंगे, जैसे कि मैंने किया है चौक बाज़ार सुल्तानगंज और आज की तारीख 28 अगस्त 2020। और हम बाएं तरफ से शुरू करेंगे पत्र को, लिखेंगे टू, मतलब जिसे भेजा जा रहा है, टू द मुखिया या चेयरमैन। ठीक है, मुखिया या चेयरमैन जिसे भी हम पत्र लिख रहे हों, और जिस जगह के वो मुखिया हैं उनके पद को लिखना होगा। सुल्तानगंज के हैं तो सुल्तानगंज दे दिया मैंने। सब्जेक्ट है इनविटेशन टू अटेंड एन अवार्ड गिविंग फंक्शन। एक आमंत्रण पत्र है ये अवार्ड गिविंग फंक्शन, मतलब कि पुरस्कार वितरण समारोह में आने के लिए एक आमंत्रण पत्र। तो पत्र को हम लिखते हुए स्टार्ट करते हैं कि रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय महाशय, मोस्ट ईगरली एंड हम्बली आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट। बहुत ही आशापूर्वक और विनम्रतापूर्वक मैं आपको ये सूचित करता हूँ कि आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन अवार्ड गिविंग फंक्शन इन आवर स्कूल प्रीमिसेस। हमारे विद्यालय में एक पुरस्कार वितरण समारोह किया जाने वाला है, इसका आयोजन किया जाने वाला है ऑन 5 अगस्त को, शिक्षक दिवस के दिन इसका आयोजन किया जाने वाला है 2020, फ्रॉम 10 AM to 1 PM। ये 10 बजे से 1 बजे तक ये समारोह चलेगा। स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड फॉर देयर एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स एंड अदर फील्ड इन देयर एकेडमिक ईयर। विद्यार्थियों को उनके परीक्षा के अंकों के आधार पर या फिर उनके दूसरे गुणों के आधार पर सम्मानित किया जाएगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस इफ़ यू कुड कम टू आवर फंक्शन। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि आप हमारे फंक्शन में, हमारे समारोह में हमारा हिस्सा बने। एंड अवार्ड द स्टूडेंट्स, और आकर अपने कर कमलों से विद्यार्थियों को पुरस्कृत करें। वी विल बी लुकिंग आउट फॉर यू, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। थैंक यू, योर्स ट्रूली, आपका प्रिय। और आप अपना नाम, जैसे कि पत्र में कहा गया कि आपका नाम विनय है, तो यहाँ आप विनय लिखेंगे। अपना पद लिखेंगे सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल सोसाइटी, ये आपको पद दिया गया, सचिव का पद है। और जिस विद्यालय के सचिव का पद है आप उस विद्यालय का नाम नीचे लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है KNSM हाई स्कूल सुल्तानगंज। आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला आपका बुक का जो है स्पेलिंग करेक्शन पार्ट है कि करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जिसमें कि आपको एक तरफ इनकरेक्ट शब्द और एक तरफ करेक्ट शब्द दिख रहे हैं, तो आप इन्हें करेक्ट करते हुए लिखेंगे। जैसे कि पहली तरफ आप इनकरेक्ट वर्ड्स में देख पा रहे हैं सर्कमस्टांस का गलत स्पेलिंग है, परमिट का, डिस्टिट्यूशन, स्ट्रगल, सेक्रेटरी, सेल्फिशनेस, जेन्युइन एंड प्रीशियस एंड टेरेनी, ये सब शब्दों के गलत स्पेलिंग यहाँ दिए गए हैं, तो इन्हें आपको सही करते हुए लिखना है। तो मैं सही स्पेलिंग आपको बोल दूँ, CIRCUMSTANCE, सर्कमस्टांस अर्थात परिस्थिति। अगला शब्द है परमिट, PERMIT, परमिट मतलब कि आज्ञा देना, अनुमति देना। फिर है डिस्टिट्यूशन, DISTITUTION, डिस्टिट्यूशन का अर्थ है अवस्था। फिर है स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल का अर्थ है संघर्ष। सेक्रेटरी, SECRETARY, सेक्रेटरी का अर्थ है सचिव। सेल्फिशनेस, SELFISHNESS, सेल्फिशनेस का अर्थ है स्वार्थीयता। फिर है जेन्युइन, GENUINE, जेन्युइन का अर्थ है सच्चा या योग्य। फिर है प्रीशियस, PRECIOUS, प्रीशियस का अर्थ है कीमती। और अंतिम शब्द है टेरेनी, TYRANY, टेरेनी का अर्थ है क्रूरतापूर्वक। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इस पार्ट में जहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग कहा गया है कि मैचिंग करना है, मतलब शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलाना है। तो एक तरफ कॉलम ए में दिए गए शब्द और दूसरी तरफ उनका जो मिलान है वो है। डिटेंशन का अर्थ होता है कैद या देरी, तो डिले इसका अर्थ है। प्लाइट का अर्थ है अवस्था, तो कंडीशन यहाँ पर उसका मिलाया हुआ शब्द है। फिर टेरेनी मतलब कि क्रूरता, तो क्रुएलिटी उसका अर्थ है। वर्दी मतलब कि योग्य, जिसका अर्थ होता है वैल्यूबल, वैल्यूबल का मतलब भी होता है जो कीमती हो, हमारे योग्य हो। लोनली का मतलब अकेला, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का भी अर्थ अकेला है। रीज़न और काउज, ये दोनों का अर्थ है कारण। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं। यहाँ पर आपको ग्रामर सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें कि आपको खाली जगहों को भरना है। यहाँ पर आप सारे सेंटेंसेस देख पा रहे हैं कि ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्य फंसाने के लिए दिए जाते हैं जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब के आधार पर भरने होते हैं। तो ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो यहाँ एक के सेंस में इज़ यूज़ किया जाता है, इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, फिर है पूजा रानी एंड मोना आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्लूरल को दिखा रहा है, पूजा रानी और मोना, तो ये आर के सेंस में यूज़ किया जाएगा। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो ये दोनों के लिए आर यूज़ किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्यों में इज़ और आर दोनों यूज़ होता है। जब हम दो अलग अलग वस्तुओं, जैसे यहाँ पर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप आर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्वास्थ्य को आप प्राथमिकता देंगे तो वहाँ पर आप इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर है ईच ऑफ द बॉयज़, यहाँ प्रत्येक लड़के, यहाँ प्रत्येक का मतलब प्रति एक, मतलब हर एक के सिंगुलर की बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ हैज़ बिन का प्रयोग किया गया है, हैज़ बिन गिवन अ बुक। फिर है ए कमिटी हैज़ बिन अपॉइंटेड टू स्टडी द सिचुएशन, यहाँ पर कमिटी मतलब एक समिति, एक समिति मतलब सिंगुलर, तो इसीलिए हैज़ बिन का प्रयोग किया गया है, जिसे नियुक्त किया गया है मतलब कि परिस्थिति को अध्ययन के लिए। फिर ज्यूरी, ज्यूरी का अर्थ होता है जजों का समूह, जनरली 12 जजों का एक समूह होता है, उसको ज्यूरी कहा जाता है। तो यहाँ पर यह दिखता सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल शब्द है, इसीलिए इसमें आर का प्रयोग किया जा रहा है, आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। फिर मिजल्स, मिजल्स जो एक बीमारी है चेचक जैसी, तो मिजल्स इज़ ए सीरियस डिजीज़, या ये एक बीमारी का नाम है, जैसे फिजिक्स में आप एस लगाते हैं लेकिन वो होता सिंगुलर है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एस लगाते हैं तो होता सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर भी मिजल्स भी वैसा ही है कि ये दिखता प्लूरल लेकिन है सिंगुलर ही। 70 rupees, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 70 rupees की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर रुपीज़ या किलोमीटर्स में जो है आप प्लूरल यूज़ नहीं करते हैं, सिंगुलर यूज़ करते हैं, तो 70 rupees इज़, यहाँ इज़ भरेंगे, एनफ फॉर दिस वर्क। फिर अगला है ए बंच ऑफ कीज़ हैज़ बिन लॉस्ट, यहाँ पर एक गुच्छा चाबी का बात किया जा रहा है,
तो इसीलिए हैज़ यूज़ किया गया है। फिर रेस्ट ऑफ द बुक्स, यहाँ पर बाकी की किताबें या फिर प्लूरल किताबों की बात की जाए इसीलिए वेयर यूज़ करेंगे, पब्लिश्ड। इसके बाद हम आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से में, जहाँ पर आपको ट्रांसलेशन दिया गया है और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बाकी हिंदी में दिए गए हैं। दो और दो चार होते हैं, टू एंड टू इज़ या मेक्स, आप ये दोनों में से कोई भी प्रयोग करें, दोनों सही हैं। इज़ भी लिखेंगे तो सही है या फिर मेक्स भी लिखेंगे तो सही है। टू एंड टू इज़ फोर या टू एंड टू मेक्स फोर। अगला है, मेरे शिक्षक ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये आप देख सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ को डाला गया है, जिसमें कि सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है या फिर जो जिस टेंस में वाक्य दिया है उसी टेंस में, उसका टेंस चेंज नहीं होता। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, माई टीचर टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अगला है, सच्चाई एवं ईमानदारी कभी परास्त नहीं होती। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी इज़ नेवर डिफीटेड, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी इज़ नेवर डिफीटेड। अगला वाक्य है, सूर्य अभी पूरब में उग रहा है। तो अभी के सेंस में एट प्रेजेंट यूज़ किया जाएगा, एट प्रेजेंट द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट। ओके, अगला है, पेड़ों के अलावे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। पेड़ों के अलावे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है, देयर इज़ नथिंग देयर एक्सेप्ट ट्रीज़। इस प्रकार से इस वाक्य को बनाया जाता है। अगला है, सूर्य के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊँगा, आई शैल कम होम बिफोर द सन सेट्स। ओके, बेईमानी कभी लाभदायक नहीं होती, यहाँ होते लिखा हुआ था बुक में, मैंने भी होते ही लिख दिया, होती होना चाहिए, जबकि डिसऑनेस्टी इज़ नेवर प्रॉफिटेबल। ओके, अगला है, टहलना एवं हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, वॉकिंग एंड लाफिंग इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है, डॉक्टर ने धूम्रपान मना किया, द डॉक्टर फॉरबेड स्मोकिंग। ध्यान दीजिएगा, मना किया यहाँ पास्ट टेंस में दे दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर फॉरबेड यूज़ किया गया है, फॉरबेड का अर्थ होता है मना करना। फिर क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें है कि डज द अर्थ मूव अराउंड द सन। तो इस प्रकार से आपके ये 10 ट्रांसलेशन कंप्लीट हुए और ये लेसन 5 आज ख़त्म हुआ। आपको मैं बता दूं कि आपके बुक के मात्र अब 3 लेसन बचे हैं और हम जल्द ही आपके सिलेबस का जो बुक है ये सब कुछ ख़त्म कर चुके होंगे और जल्द ही हम ग्रामर की ओर बढ़ेंगे। तो अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल के साथ जोड़ें और कहें कि आप यहाँ पर इंग्लिश की पूरी पढ़ाई पूरे नोट्स के साथ हिंदी में समझते हुए कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, हो सके तो आप भी जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके सहयोग की बहुत अपेक्षा है और आवश्यकता भी है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।